हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में लंबी लंबी लाइनें लगना अब दस्तूर सा बन गया है। प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां से लोग अपनी शिकायतें लेकर विज के दरबार में नहीं पहुंच रहे। हरियाणा के कोने कोने से विज के दरबार में आए फरियादियों की माने तो उनके इलाके के अधिकारी उनकी समस्याओं का निपटान नहीं करते, जिसके चलते वो विज के दरबार में उम्मीदें लेकर पहुंचे हैं। ऐसे ही नशे के खिलाफ शिकायतें लेकर आज कुछ युवा भी विज के दरबार में पहुंचे, जिन्होंने अनिल विज से नशे के खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत दी। पहले भी दो बार आ चुके हैं, जो भी नशे के अवैध कारोबारी हैं सर, वो हमारे यहाँ पर पूरा जाल फैलता जा रहा है, बच्चों को नशा बेचा जा रहा है। अवैध दारू वाले जो गली गली बैठे हैं, बहन बेटियों का निकलना बहुत मुश्किल है। अब थोड़े दिन से उन्होंने हमारे ऊपर हमले स्टार्ट कर दिए, हमारी टीम के ऊपर रोज फायरिंग हो रही है। परसों मेरी पूरी दुकान तोड़ दी गई है, पूरा चूरम चूर कर दिया है, घर से बाहर निकलना मुश्किल है। पूरे के पूरे घर परिवार वाले दहशत में है कि कब वो लोग आ जाए। और जितने भी ये नगर निगम के जितने भी कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, इनका ये होता है जी, जो कच्चे लगे हुए हैं, इनके जो सुपरवाइजर हैं उनसे पैसा लेते हैं, ये काम पर नहीं जाते, और फिर ये वहाँ पर बैठ के शराब दारूआँ बेचते हैं, अवैध जो दारू है वो बेचते हैं गली गली के मोड़ पर। बहुत सारी समस्या सर, पुलिस को शिकायत करी है, बस कई अधिकारी मिले हुए हैं, अब कई सी स्टाफ के हैं जो मिले हुए हैं, जो इनको अवैध कारोबारियों को जो अपनी शह दे रहे हैं, कई नेतागण मिले हुए हैं उनके साथ, कोई कार्रवाई नहीं होती। जिन मंत्री जी ने सुरक्षा के लिए बात करी है कि सुरक्षा प्रदान की जाएगी और उन पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। अनिल विज जब से गृह मंत्री बने हैं तभी से उनके निवास पर लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते खुद विज अधिकारियों को भी जनता दरबार लगाने के आदेश दे चुके हैं। बावजूद इसके प्रदेश के लगभग सभी जिलों से लोग विज के निवास पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। इस बात को लेकर बातचीत करते हुए अनिल विज ने बताया कि उनके पास न सिर्फ पुलिस बल्कि हर विभाग की शिकायतें पहुंच रही हैं और जनता को राहत देना ही उनकी प्राथमिकता है। लोग आ रहे हैं, लोगों का विश्वास बन रहा है और हम लोगों का विश्वास टूटने नहीं देंगे और पूरी मेहनत करेंगे लोगों को समस्याओं का समाधान हो। खाली अनिल विज लोगों का विश्वास जीतेंगे, बाकी मंत्री हैं और लोग नहीं, बाकी भी करते हैं और बाकी भी करें, लेकिन अब जो जो हमारे पास आता है हमें तो उसको समस्या का समाधान करना। हमने सब भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक, दूर दूर से लोग आ रहे हैं वहाँ इनकी नहीं, हर जिले से आ रहे हैं, हर विभाग के आ रहे हैं, कोई ये पुलिस के ही लोग नहीं है सारे, ये हर विभाग के हैं, पंचायती राज के हैं, लोकल बॉडीज के हैं, सिविल सप्लाई के हैं, अब भिन्न भिन्न विभागों की शिकायतें लेकर लोग आ रहे हैं। पुलिस की बहुत शिकायतें आ रही हैं, आपके पास विभाग है? नहीं, हम पुलिस में हम इसको कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैंने सारे SPs को आदेश जारी करवाए हैं कि वो भी, जैसे मैं जनता दरबार लगाता हूँ वैसे वो रोज़ 11 से 12 बजे तक जनता दरबार लगाएं, और अगर वहाँ पर सार्थक सुनवाई होगी तो फिर हमारे यहाँ पर लोगों की भीड़ आनी कम हो जाएगी। मैंने हमेशा कहा है कि जब तक मेरे घर पर लोगों की लाइन लगी हुई है तब तक मान लो विभागों में ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा है। सब DGP को भी पत्र लिखा है आपने, क्या संतुष्ट है उनकी? नहीं, वो रूटीन पत्र है, वो तो हमारा पत्र व्यवहार चलता रहता है, कोई जो काम पेंडिंग होते हैं उनके बारे में हम याद कराते रहते हैं, ये तो हमारा काम है। पत्र में अनिल विज ने नाराजगी भी दिखाई है? नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं दिखाई है, जो काम नहीं हुए हैं उनके बारे में याद कराया। सब एक मामला भी आया है जनता दरबार में लाइन में है कि नशे को लेकर उन्होंने शिकायत दी थी, उसके बाद जो है वो SP यमुनानगर को सौंपा गया, अब उनके ऊपर हमलावरों ने, उन नशाखोरों ने जो है हमला किया, उनका घर तोड़ दिया। नहीं, हम पूरी प्रोटेक्शन देंगे, जो लोग इस प्रकार से विसल ब्लोअर हैं, जो नशे के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और अगर उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई करता है तो हम पूरी प्रोटेक्शन देंगे।